आपको पता होगा गाइस कि सरकार ने 2000 के नोट बंद कर दिए, मतलब सपा बंद नहीं किए, डिमोनिटाइज नहीं किया। अभी उन्होंने बोला कि सितंबर तक का आपको टाइम है, आप सितंबर तक बैंक में जाके डिपॉजिट कर सकते हो आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है, मतलब चलेगा सितंबर तक आप। तो इसका कुछ कुछ लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, जैसे बिजनेस, मतलब यदि मान लो मेरी एक किराने की शॉप है तो मैं एक ऑफर चला दूंगा कि 2100 रुपये, मतलब 2000 का नोट देके जाओ और 2100 का सामान लेके जाओ। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि लोगों को उनके 2000 के नोट कैसे भी उनके पास से भेजने हैं, कैसे भी यूज़ करना उनको, है ना। तो इससे क्या एक लुभाने का तरीका है, बिजनेस ओनर को क्या फायदा है, आप तो सोच रहे होंगे कि उसका तो नुकसान है, 2000 का लेके 2100 का दे रहा है, लेकिन नहीं, वो आपको जो 2100 का सामान दे रहा है वो 2100 का सामान नहीं, वो दरअसल 1000 रुपये का, 1500 का सामान है, लेकिन आपसे 2000 रुपये ले रहा है, उसका प्रॉफिट है, उसने सब कैलकुलेट करके रखा है, तभी आपको दे रहा है, बिजनेस चला रहा है, चला नहीं चला रहा है, तो इसमें क्या उसका फायदा है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि जो 2000 का नोट सरकार बंद कर रही है, वापिस ले रही है, मार्केट से खींच रही है, मतलब मार्केट में डाला 2000 के नोट, आपको पता होगा कि 2019 से ही प्रिंटिंग बंद कर दी 2000 के नोट की। अब हुआ क्या, सरकार के बीच में डिस्कशन हुआ, एक्सपर्ट से राय ली, सरकार ने RBI ने पूछा बैंकों से, ए HDFC, ए SBI, ए बैंक ऑफ इंडिया, तू बता तेरे पास में केस कितने पड़े 2000 के। तो SBI ने बोला साहब मेरे पास तो नहीं है, बैंक ऑफ इंडिया ने बोला साहब मेरे पास भी नहीं है, HDFC से पूछो, HDFC ने बोला साहब मेरे पास भी नहीं है, साला फिर किसके पास है। RBI ने सोचा कि साला 2000 के नोट है किसके पास, क्योंकि हमने तो इतने सारे मार्केट में नोट निकाले, क्योंकि आपको पता होगा यदि आपने कॉमर्स पढ़ी होगी, थोड़ा भी आपको फाइनेंशियल नॉलेज होगा तो आपको पता होगा कि RBI के पास पास में सारे रिकॉर्ड रहते हैं, सारे रिकॉर्ड रहते हैं कि कौन सा नोट अपन ने किस दिन मार्केट में उतार दिया था, बैंक को दे दिया था, मतलब इनको पता है कि 2000 के कितने नोट इन्होंने ऑलरेडी प्रिंट कर चुके हैं और कितने मार्केट में उतार दिए। तो इनके डेटा के हिसाब से इन्होंने देखा कि चलन में है ही नहीं, 2000 के नोट जो इन्होंने मार्केट में निकाले वो चलन में होने चाहिए, लोगों के बीच में ट्रांजेक्शन होना चाहिए, लेकिन ट्रांजेक्शन हो ही नहीं रहा है, तो ये 2000 के नोट गए क्या। तो फिर एक्सपर्ट से राय ली, तब जाके इन्होंने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, पहले डिमोनेटाइजेशन करा जिसमें भी आप बैंक में जाकर डिपॉजिट कर सकते हो, बट वो डिमोनेटाइजेशन में ऐसा था कि डायरेक्टली उसी टाइम से रात के 12 बजे से आपका नोट एकदम लीगल टेंडर नहीं रहेगा, लेकिन अभी 2000 का नोट लीगल टेंडर है। इसमें क्या है, आपके पास में यदि 2000 के नोट है तो आप बैंक में जाकर डिपॉजिट करा सकते हो। बट अब हुआ क्या कि नेता जितने भी करप्ट नेता है, करप्ट लोग, सामने 2000 की गड्डी रख ली, ब्लैक मनी रख ली घर पे। अब उनके पास में क्या हुआ कि उनको जैसे पता चला कि 2000 के नोट सितंबर के बाद में वैलिड नहीं रहेंगे, लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, तो वो घबरा गए। अब वो 2000 के नोट या तो फेंकेंगे, बैंक में जाएंगे तो बैंक वाले हिसाब मांगेंगे, अब यदि उनके पास में हिसाब है तो हिसाब दे देंगे, हिसाब नहीं है, ब्लैक मनी है, तो फिर क्या करेंगे, वो कुछ तरीके अपनाएंगे, जैसे कि वो उनके रिलेटिव्स को दे देंगे, फ्रेंड सर्कल में दे देंगे, आपस में बांट लेंगे कि भाई 1 लाख तू रख ले, 1 लाख तू रख ले, एंड तू सब जाओ तुम और बैंक में जाके डिपॉजिट करा दो, और बैंक वालों को बोलना मेरे अकाउंट में डाल दो। अब जैसे अकाउंट में डाल लेंगे तो बस वापस मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, सिंपल सी बात है, ये फंडे। लेकिन ये फंडे कब काम आएंगे, जब आपके पास में लाखों में है, लेकिन नेता के पास में लाखों में नहीं रहते भाई, ब्लैक मनी किसे कहते हैं, करोड़ों में खरबों में इतने रुपए रहते हैं, आप सोच भी सकते हैं 2000 करोड़, 5000 करोड़, 500 करोड़। जब इतने रुपए आप बैंक में लेके जाओगे तो बैंक वाले क्या कहेंगे, मैनेजर क्या कहेगा यार, डायरेक्ट RBI को कॉल जाएगा कि ये नेता इतने नोट लाए, भाई नेता तुम्हारी संपत्ति इतनी है ही नहीं, तुम कहाँ से लाए इतने पैसे, किसने दिए तुम्हें, किसने अलॉट किए, तो ये सब हिसाब बताना पड़ेगा। अब ये सब हिसाब जो नहीं बता पाएगा वो तो उसके नोट को या तो फेंक देगा, जला देगा, खत्म कर देगा, लेकिन बहुत कमाई की इनकम है ना ब्लैक मनी यार, तो ऐसे जलाएंगे नहीं, खत्म नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, बांट देंगे, उनके आपस के नेटवर्क में लोग रहते हैं उनको बांट देंगे, बोलेंगे कि अपने अपने बैंक अकाउंट में डला लो और फिर मुझे ट्रांसफर कर देना, तो ऐसे व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर लेंगे। बहुत तरीके होते हैं व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का, ये भी एक्सपर्ट रखते हैं, जैसे RBI ने एक्सपर्ट रखे हुए ना, वैसे ही ये ब्लैक मनी वाले लोग भी एक्सपर्ट रखते हैं इनके पास में। वैसे आपको क्या लगता है, क्योंकि मैं फाइनेंशियल बैकग्राउंड है मेरा, मतलब वैसा है कि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज है। अभी हम जैसे बात कर रहे थे मैं और मेरा फ्रेंड कि यार पार्ले जी बिस्किट 5 का पहले कितना बड़ा आता था और अब कितना छोटा आता है, महंगाई बढ़ती जा रही टाइम टू टाइम, और अभी जो 2000 का नोट है वो चलन में दिखा ही नहीं, हमें तो घंटा फर्क नहीं पड़ा, पब्लिक के भी रिएक्शन, यदि आप न्यूज़ चैनल पे जाके यूट्यूब पे देखोगे, रिसर्च करोगे, तो पब्लिक के रिएक्शन ऐसे है कि क्या, हमें तो पता ही नहीं चला भाई,
क्या घंटा फर्क नहीं पड़ता 2000 के नोट बंद करने, कर दो क्योंकि है ही नहीं हमारे पास में यार 2000 के नोट। देखो कि जमाना हो गया यार, तो गए कहाँ 2000 के नोट, नेताओं के पास में गड्डी भरी पड़ी। मैंने एक वीडियो देखा था इंटरनेट पर वायरल हुआ था, तो उसमें ना कि टायर में से निकाल रहे पैसे यार, जो टायर है ना गाड़ी का फोर व्हीलर का बड़ा टायर, उसमें से 2000 की गड्डी निकल रही है। अब देखो जैसे ही खबर वायरल हुई 2000 के नोट बंद हो जाएंगे, वैसे ही 2000 के नोट की गड्डी निकल रही है, ब्लैक मनी बाहर आ रही है, समझ रहे हो। अच्छा तरीका है, मेरा कहना तो यूं है, जैसे कि आपको पता है UPI अभी ऑलमोस्ट हर जगह पर चल रहा है, तो UPI का फायदा है कि सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड रहते हैं, सबको पता है, बैंक को पता है, एंड इसमें करप्शन का, इसमें ब्लैक मनी का जो चांस है बहुत ही कम हो जाता है। आप देखोगे फॉरेन कंट्रीज में ऑलमोस्ट नो केस चलता है, वहाँ पर बहुत ही कम केस चलता है, इसीलिए वहाँ पर करप्शन बहुत कम है, लेकिन इंडिया में केस चलता है 2000 से, बहुत ब्लैक मनी रखी जा सकती है। बहुत आसान था 2000 की गड्डी रखना, लेकिन अब 500 की गड्डी रखनी पड़ेगी उनके। हालांकि ब्लैक मनी से कम नहीं होगी, लेकिन कुछ हद तक कम होगी, और सरकार और भी आगे स्टेप लेगी मेरे हिसाब से। वैसे आपको क्या लगता है इस विषय में, आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो।